हेलो एवरीवन, दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पे। सबसे पहले आप सबको मैं थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम चैनल के ऊपर 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। ये सब पॉसिबल है सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट के कारण। अभी इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप अपने जो पढ़ने की टेक्निक है उसको थोड़ा चेंज करके इस ईयर जो कमिंग एग्जामिनेशन हैं उनमें अगर इम्प्लीमेंट करेंगे आप बहुत जल्द ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाएंगे। और दोस्तों कुछ और अनाउंसमेंट है जो मैं इस वीडियो में करूँगा, काफ़ी हेल्प करेगी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो जानते हैं, अब एग्जाम्पल है जैसे इंडियन पिनल कोड। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इंडियन पिनल कोड के कुछ इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स को जानते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्रिलिम्स या स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो कुछ सेक्शंस जो आपको नंबर याद रखने हैं और कुछ सेक्शंस जो आपको अच्छे से रीड करने हैं, आपको मैं थोड़ा आइडिया दूंगा कहाँ से क्या चीज़ें कवर करनी है। स्टार्ट करते हैं। इनमें से जो स्टार्टिंग वाले सेक्शंस हैं ये प्रिलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब जैसे यहाँ पर सेक्शन नंबर 5 है, सर्टन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। ये बात कर रहा है किसी भी तरह के स्पेशल लॉज की, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इवन इंडियन पेनल कोड है आर्मी या नेवल लॉज को एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन नंबर जो 6 है, डेफिनेशन इन दिस कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। और दोस्तों ये जो पॉइंट है इसका मतलब है कि जो भी सेक्शन 6 के अंडर चीज़ें कवर्ड है, यहाँ पर बात की गई है कि पूरे कोड में बार बार जो जनरल एक्सेप्शंस हैं कोड के अंदर, इनके बारे में बार बार जिक्र नहीं किया जाएगा। ये ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है पूरे कोड के ऊपर, राइट। जब नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 8, 9, 11, सर्वेंट ऑफ पब्लिक, गवर्नमेंट, इंडिया, जज, ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेक्शन नंबर्स हैं। और दोस्तों ये जो पॉइंट है मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इंक्लूड्स कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हर सेक्शन में कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब जैसे रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, इसके रिगार्डिंग इनकी डेफिनेशन पुट की होती है और ये पूछा होता है कि किस चीज़ का मीनिंग है ये। या फिर सेक्शन नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 24, 25, 26, रीजन टू बिलीव। दोस्तों यहाँ पर जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ रीजन टू बिलीव, तो एक पर्टिकुलर दिमाग में थॉट है कि जब भी हम किसी ऑफेंस की बात करते हैं, अगर तो बात की हुई है इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, तो इसका जो लेवल है इस तरह मूव करता है, रीजन टू बिलीव के बाद में आती है नॉलेज ऑफ समथिंग, ठीक है, सबसे ऊपर आती है इंटेंशन, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन की जाएगी। देन बात करते हैं काउंटरफेट डॉक्यूमेंट, इनके सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, राइट। ई रिकॉर्ड कब ऐड हुआ, राइट। एक्ट ओमिशन, दोस्तों यहां पर जो सेक्शन 34-35 है इसमें से नॉर्मली बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुट किया जाता है हर दूसरी स्टेट में। अब मैं बात करता हूं कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है। दोस्तों कई बार एग्जामिनेशन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो कि हमें ये चीज़ मालूम नहीं होता कितना पढ़ना है, क्या चीज़ कवर नहीं करनी, ठीक है। अब अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो हर सब्जेक्ट में कितना पार्ट कवर किया जाएगा और उनमें भी कुछ ऐसा जो एरिया है जहां से बहुत ज़्यादा कंटेंट पुट किया जाता है वो सब चीज़ें कवर करने वाली हैं, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर आई एम प्लानिंग, मेरे को काफ़ी स्टूडेंट्स की जो मैसेजेस थे, कमेंट्स थे इस पर्टिकुलर चैनल पे, कि अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट को प्लान करता हूँ आपको मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन करवा सकता हूँ। हम क्या करेंगे कि कोई भी अगर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पिक करते हैं, एग्जांपल जैसे इंडियन पिनल कोड है, इसको पिक किया, इसके रिगार्डिंग नंबर ऑफ वीडियोज़ पोस्ट की जाएंगी जो एप्लीकेशन है इंस्टीट्यूट की, राइट। तो अगर आप स्टार्ट इनिशियल डे से करते हैं
जैसे फर्स्ट या सेकंड मार्च को इसके रिगार्डिंग वीडियो स्टार्ट की जाएंगी पोस्ट करनी। तो दोस्तों अगर आप इनिशियली ज्वाइन करते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स की, बहुत ही मिनिमल फीस है जो कि सब्जेक्ट वाइज बताई जाएगी, राइट। अगर आप ये वीडियो मार्च एंड के बाद कभी भी देखते हैं तो ऑलमोस्ट सारी की सारी वीडियोस आपको व्यू हो जाएंगी जो कि टॉपिक वाइज कवर की होंगी चैप्टर वाइज, राइट। मतलब अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो रोज़ एक वीडियो पोस्ट की जाएगी जो इस सब्जेक्ट में से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड। इन केस आप बिगनर हैं या आपकी लॉ कंप्लीट होने वाली है, आप चाहते हैं कि इस साल आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस आपको ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी जो कि पूरे की पूरी सब्जेक्ट ओरिएंटेड होंगी। दोस्तों जो सबसे पहला सब्जेक्ट होगा दैट विल बी इंडियन पिनल कोड, ठीक है। तो मैं आपसे एक आइडिया लेना चाहता था कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं कि आपको सब्जेक्ट कवर करवाए जाएं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू, तो आप ज़रूर अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं सब्जेक्ट वाइज अगर प्रिपरेशन करवानी स्टार्ट करता हूँ तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं। दोस्तों आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ताकि मेरे को एक आइडिया हो कि कितने स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सकती है इस पर्टिकुलर कॉन्टेंट के थ्रू। और इसमें जो स्ट्रेटेजी होगी आपको मैं सब कुछ बताऊंगा कि सेक्शंस कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, उनके कंटेंट के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे बहुत ही रिसर्च्ड वे से, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा, मतलब आपको कौन सा कंटेंट कवर करना है, कितना कवर करना है, सब कुछ आपको मैं वीडियोस के थ्रू बताऊंगा। और ये सारा क्रोनोलॉजिकल मतलब चैप्टर वाइज कवर करेंगे ताकि आप ईजिली कॉन्टेंट को घर पर बैठ के ही प्रिपेयर कर सकते हैं और आप जल्द ही इसी साल जो भी एग्जामिनेशन है बहुत स्टेट्स की नोटिफिकेशन आ चुकी है, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सब्जेक्ट एट होम इटसेल्फ। तो दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट किन किन को है। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को अगर आप अभी नए सब्सक्राइबर हैं, साथ ही में बेल आइकन क्लिक करें ताकि जब भी नया वीडियो पोस्ट किया जाएगा आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट मिल पाए साथ के साथ। थैंक्स अ लॉट।